मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आप हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने देखा था, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ये हमारा मंत्र था, ऐड शुगर टू कॉफी। क्या मतलब? इसमें सारे पॉजिटिव, ए से ऑल, सारे पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टू टी से टेन पॉजिटिव, और सी से कॉस पॉजिटिव, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो हमने वो देखे थे, अब हम उसके आगे देखते हैं कि कुछ उन फॉर्मूलों का यूज करके वैल्यूज कैसे निकालना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑड इनटू 90 डिग्री में नेचर चेंज होगा, नेचर चेंज हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉड बन जाएगा, सेक कोसेक बन जाएगा, कोसेक सेक बन जाएगा, और इवन 90 में नो चेंज, इवन इनटू 90 डिग्री में नो चेंज, नो चेंज, इवन इनटू 90 डिग्री में नो चेंज। तो अब हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि उन फॉर्मूलों का यूज करके साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, वन टेन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा का यूज करके वैल्यूज कैसे निकालना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू निकालना है साइन 120 डिग्री की, तो साइन 120 डिग्री को आप लिखो साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का ये कौन सा मल्टीपल होगा? पहला ऑड मल्टीपल, और 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का जंप करके कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये पूरी वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, इसलिए साइन गया सेकंड में, सेकंड में है साइन पॉजिटिव, और एक 90 होने से इसका नेचर चेंज हो गया, क्या बन गया? ये कॉस, कॉस 30 डिग्री, और प्लस का बना, कॉस इसमें माइनस का है, पर गया कौन? गया साइन, इसलिए ये प्लस है। प्लस और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद हो कि ये वैल्यू होती है √3/2, तो आपके पास आ गया है साइन 120 डिग्री। इसी तरह से आप कोशिश करिएगा साइन 150 डिग्री निकालना है, साइन 150 डिग्री का वैल्यू आप निकालिएगा, वो वैल्यू आपके पास आएगा 1/2। अगर आपको साइन 180 डिग्री निकालना है, तो साइन 180 डिग्री निकालना है, तो आप ऐसा करें कि इसको ऐसा लिख दें, साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिखेंगे तो ये सोचें कि ये मत सोचें कि ये थीटा अज्यूम कर ले। तो जैसे हमने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए किया था कि साइन 90 डिग्री में थीटा जुड़ेगा तो सेकंड में चले जाएगा, तो ये भी कौन से में चले जाएगा? ये सेकंड में चले जाएगा। तो अगर ये सेकंड में चला गया, ऐसा मान लीजिए कि अगर ये थीटा है और थीटा एक्यूट था, तो हमने कहा था कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा? साइन प्लस का है। अब प्लस का है और ये साइन कितने 90 है? ऑड 90 है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, पर थीटा तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप इसके लिए दूसरा मोड इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप ये वाला मोड इस्तेमाल करते हैं, साइन 180 डिग्री को आप लिख देते हैं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0। अब 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 लिखते हैं तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 290 क्रॉस करके, तो साइन 290 क्रॉस करके कहाँ आ जाता है? साइन 290 क्रॉस करके थर्ड में आ जाता है। थर्ड में साइन कैसा रहता है? तो थर्ड में टेन प्लस है, कॉट प्लस है, साइन माइनस का है, तो ये साइन माइनस का हो गया, और 290 है तो नेचर विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन साइन, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका? 0। अब अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 0, तो भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। देखो ना आप, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 0, इसको अगर थीटा मानते
और सोचते हैं कि 180 में से कुछ माइनस हो गया, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, प्लस का है, तो साइन अगर प्लस का है तो प्लस लगाइए, 290 है तो नेचर विल रिमेन सेम, तो नेचर विल रिमेन सेम, तो इट विल रिमेन साइन, बट साइन 0 डिग्री इज वॉट 0। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको सभी तरीके से कितना वैल्यू मिला, 0 मिला। आप किसी को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। अब आप देखिएगा, अगर आपको मैं आपको एक नई वैल्यू निकालने को बोलता हूँ, कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, अगर प्लस वाले से लिखना है तो लिखिए, माइनस से भी लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 290 कूद करके, 290 जंप करके कॉस कहाँ आ गया, कॉस आ गया इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव है तो माइनस लगा दीजिए, और 290 है तो नेचर विल रिमेन सेम, तो नेचर विल रिमेन सेम, तो इट विल रिमेन कॉस, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, माइनस √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू माइनस √3/2। अब अगर आप इसको ऐसा ना लिखते, ऐसा लिख देते तब क्या होता, 210 डिग्री को अगर आप ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देते जैसा मैं आप लिख रहा हूँ, 3 × 90 डिग्री माइनस ये आपका हो गया 270 डिग्री, और इसमें से 60 डिग्री माइनस करोगे तो कॉस 3 × 90, तो 3 × 90 तो ये यहाँ होता है 3 × 90, 190, 290, 390, पर उसमें से माइनस हो गया तो यू आर इन विच क्वाड्रेंट, यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो बीइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज व्हाट, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए, और नेचर विल बी चेंज्ड, तो नेचर जब चेंज हो जाएगा तो ये साइन बन जाएगा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप किसी भी तरीके से देखो, आप निकालेंगे तो आपको आंसर बराबर मिलेगा। अब कुछ और आगे की वैल्यूज पे भी डिस्कशन करते हैं। इस तरह से आप अपनी एक बढ़िया सी टेबल बना सकते हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास है कॉस ऑफ -300 डिग्री, ये निकालना है आपको, तो आपको पहले माइनस हो गया, माइनस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 300। क्यों लिख दिया मैंने ऐसा कॉस 300, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है कि कॉस के अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज वॉट, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 300 हो गया। कॉस 300 को कैसा लिख सकेंगे आप, कॉस 300 को आप लिख सकते हैं दो तरीके आपके पास, दोनों तरीके मैं आपको बोलता हूँ, तरीका नंबर एक और तरीका नंबर दो। कॉस को लिख दीजिए 3 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, ये आप चेक कर लीजिए, 3 × 90, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 300 डिग्री। और दूसरा तरीका भी ऐसा है कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा लिख दो, दोनों में ये वाला इजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि जीरो से स्टार्ट करके आप, ये जीरो है, जीरो से चल के वापस यहाँ आते हैं तो ये 360 डिग्री बिकम्स जीरो, तो 360 डिग्री 0 डिग्री हो जाता है, जो 360 डिग्री 0 डिग्री हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो कॉस 0 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 0 माइनस थीटा इसी टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि इससे क्या होता है, ओ सॉरी, थीटा की जगह हमें 30 डिग्री लिखना है ना, तो थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, क्योंकि थीटा हमारा कितना है इस केस में, 360 माइनस 60, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब इसमें देखिए कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया, कॉस गया इसमें 390 क्रॉस करके यहाँ चला गया। अब जब ये यहाँ चला गया है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉस, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कॉस कैसा है, आप वहाँ देख लीजिए कॉस इस केस में पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बीइंग ऑड इनटू 90 नेचर चेंज हो जाएगा, ये साइन बन जाएगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। देखो आप किसी भी तरीके से करो, 360 वाला मोड तो एक नंबर है, परफेक्ट मोड है, 360 डिग्री में आपको कभी दिक्कत आने की बात ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, और खूब प्रैक्टिस करिए आप, मुझे लिख भेजिए
मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, नहीं तो आप ये नोट कर लें, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो नोट कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब आप देखिए आपके पास है, मान लीजिए सेक माइनस 315 डिग्री है, तो माइनस सेक माइनस थीटा, तो आपको मालूम है कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, सेक 315 डिग्री। तो सेक 315 डिग्री को आप लिख सकेंगे सेक 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि सेक 360 डिग्री कैन बी कंसीडर्ड एज जीरो, तो जीरो मानोगे तो ये हो जाएगा सेक माइनस 45 डिग्री, और सेक माइनस 45 डिग्री मतलब सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, क्योंकि सेक माइनस थीटा इज व्हाट, सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, ये होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, तो ये सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, सेक 45 डिग्री की वैल्यू आपकी रूट टू हो गई, तो इस तरीके से निकाल लिया। अब मान लीजिए कि कभी आपको बहुत बड़ा एंगल दे देते, जैसे बड़ा एंगल मैं आपको बताता हूँ, बड़ा एंगल अब 10 में ले लेते हैं, 10 में जैसे मान लीजिए आपको 10 ऑफ 1200 डिग्री दे दिया, तब क्या करोगे, तो अब देखते हैं 10 ऑफ 1200 का कैसे निपटाते। 10 ऑफ 1200 डिग्री दे दिया, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 1200 डिग्री तो 90 से मत डिवाइड करो, इसको 360 से डिवाइड कर दो, तो 360 से डिवाइड कर देते हम 1200 को, मैनुअली करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये 1200 और ये 360। अब आप 3 से पढ़ोगे टेबल, जब तक 12 नहीं आता तो 3 4 जा 12, पर जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर ऐसा करते कब 3 से कर देते, तो 3 से करोगे तो 3 इंटू 0 0 और 3 6 जा 18, तो 8 आ गया, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो 1200 में से 1080 माइनस किए तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकोगे, इसको लिख सकोगे मेरे बच्चों 10 3 इंटू 360 डिग्री, वो डिवाइड करने में डिग्री का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस आपका कितना आ गया 120 डिग्री। अब 3 इंटू 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री कैन बी कंसीडर्ड एज जीरो, क्यों, एक 360 डिग्री, दूसरा 360 डिग्री, तीसरा 360 डिग्री, तो तीसरा 360 डिग्री जीरो के बराबर ही हो गया, तो ये जीरो हो गया, तब अपने पास कितना बच गया 10 120 डिग्री। अब 10 120 डिग्री को आप 90 से करना पड़ेगा आपको रिजॉल्व, है ना, ये बहुत बड़ा एंगल था इसलिए डायरेक्ट 90 से नहीं किया, 90 से भी कर सकते हैं पर 90 से वो बहुत बार बहुत और बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना, ये इससे आसानी से कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 10 गया सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 कूद के, तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब है साइन और कोसेक पॉजिटिव हुए, 10 क्या हो गया, 10 नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये कॉट हो गया, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है आपको, ये माइनस रूट 3, तो इस तरीके से निकाल ली। अब अगर मान लो एक और इससे भी बड़ा एंगल कभी अपने को लेना हो तो उसको भी लेकर के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब अभी कहाँ तक का कर चुके, 10 का क्वेश्चन हो गया, सेक का हो गया, चलो एक हम कॉट का कर लेते हैं, तो ये ले लेते हैं कॉट ऑफ माइनस 3060 डिग्री, 3060 डिग्री, तो कॉट में तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि सेक और माइनस कोसेक कॉस में नहीं आता, बाकी में तो आता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 3060 डिग्री, अब 3060 डिग्री है तो फिर नेचुरली डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री से, तो 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए 360 डिग्री से डिवाइड किया, ऐसे ही आप 360 डिग्री से सॉरी 3060, तो 360 डिग्री से डिवाइड किया, तो 360 से अपन जब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर किससे 9 से भी करके देख लेते, 9 से करके देख लेते हैं, तो 9 इंटू 0 9 6 जा 54 और कितना है अपने पास 5 बचा 9 3 जा
9 3 जार आपको मालूम है 27, 27 में 5 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, तो फिर आप 32 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 3250, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब 9 की जगह क्या ले लेते, 8 ले लेते, 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 × 0 और 8 6 = 48, तो यहाँ जाएगा 8 8 3 = 24 24, और जो इसका था 4 वो कैरी कर दिया, तो ये हो गया आपका 2880। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये 0, ये 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा आपको मालूम है, 16 में से 8 गया तो बचा आपके पास 8 बचेगा, और ये आपके पास आ गया कौन सा है 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, माइनस कॉट 8 × 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये आपके पास बच गया है माइनस कॉट 180 डिग्री। क्लियर है क्या, माइनस कॉट 180 डिग्री। अब माइनस कॉट 180 डिग्री को डील करना है अपने को, तो माइनस कॉट 180 डिग्री की बात कर लेते हैं हम। तो आपको ये मालूम हो कि टेन की बात है कि टेन 0 डिग्री कितना होता है आपको मालूम होगा, टेन 0 डिग्री इज 0, टेन 90 डिग्री इज व्हाट, टेन 90 डिग्री इज, टेन 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। टेन 90 डिग्री के ऊपर जाएंगे आप, टेन 120 डिग्री देखेंगे आप, तो टेन 120 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास, टेन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बनेगा आपका, ये क्या बना आपका माइनस कॉट 30 डिग्री। क्लियर है क्या मेरी बात आपको, माइनस कॉट 30 डिग्री, तो ये माइनस की तरफ जाने लगा। और ये अगर आपने ले लिया माइनस कॉट, इसको लिखा माइनस कॉट 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख दिया, मान लीजिए आपने 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री प्लस, तो ये जैसे टेन 90 डिग्री प्लस किसकी जगह तरफ जाने लग गया, माइनस की तरफ, तो वैसे ही कॉट 90 डिग्री प्लस, तो कॉट 90 डिग्री प्लस, तो ये इसको अगर इसको मान लेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, कॉट नेगेटिव है, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, और इसका 190 होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, तो आप 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री से डील करना इसको। और 10 90 डिग्री आप देख लो, यहाँ पे 10 90 डिग्री कितना होता है आपका, आप लास्ट ईयर तक नॉट डिफाइंड लिख देते थे, पर यहाँ नॉट डिफाइंड को क्या लिखना पड़ेगा आपको, नॉट डिफाइंड को आपको लिखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड को आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी, इसको अवॉइड करना है आपको 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री की से जो ट्रीटमेंट है इससे दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लस वाले से ही दीजिएगा आप ट्रीटमेंट, इसको प्लस वाले से देंगे तो आपका एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको, क्योंकि नहीं तो फिर कभी प्लस माइनस की आपको प्रॉब्लम आ सकती है हल्की फुल्की। तो ये आपने देखा कि हमने सारी वैल्यूज निकाली, अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिक्स मैच प्रॉब्लम होती है, तो मिक्स प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें आपको दोनों चीज़ें मिक्स होंगी, तो मिक्स होंगी तो उनको कैसे डील करेंगे आप देखिए, साइन 8π/3 इंटू कॉस 23π/6 प्लस, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें दोनों चीजें मिक्स है, कॉस 13π/6 साइन 35π/6, ये प्रॉब्लम है आपकी, अब इसको डील करना है अपने को, तो ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, आप इसको पाई को क्या लेंगे इस केस में, पाई को आप लोगे 180 डिग्री, तो पाई को जब आप 180 डिग्री लोगे तो ये हो जाएगा साइन 8 × 60 डिग्री, 180 / 360 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 23 × π 180 डिग्री / 6 30 डिग्री हो गया,
प्लस कॉस 13 इंटू 30 डिग्री इन साइन 35 इंटू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया पाई की वैल्यू रख के। ये आपको बिल्कुल क्लियर है मेरी बात, समझे आप? इसको प्लस से ट्रीटमेंट देंगे या आप 180 डिग्री भी लिखते हैं तो इसको ऐसा लिख दें कि 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख दें, और 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख करके भी आप इसको कर सकते हैं, तब 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपके पास है साइन 8 इंटू, तो ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 8 6 48, तो इसको 400 कितना लिख दिया आपने, 80 डिग्री लिख दिया। इसको मैं आपको आसानी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 23 इंटू 30 डिग्री है, तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आप, तो 20 इंटू 30 डिग्री लिख लो, 20 इंटू 30 डिग्री लिख लो प्लस 3 इंटू 30 डिग्री लिख लो। इसमें जो जो आपको कन्वीनियंट लगे ना, कंफर्टेबल जिसमें आप हो उसको वैसा लिख लो, प्लस तो प्लस इज देयर, कॉस इसमें लिख लो 10 इंटू 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 30 डिग्री, और यहां पे लिख दें आप साइन 30 इंटू 30 डिग्री प्लस 5 इंटू 30 डिग्री। फिर मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, आप चिंता नहीं करें ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, ऐसा लिखना भी आसान है, इसका स्प्लिटिंग भी आसान है, और आपको वैसे कैलकुलेट भी नहीं करना है। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए तो कॉस एक एक करके निपटाते भी चलें। साइन क्या है आपके पास, साइन 480 डिग्री है, तो उसको लिख सकते हैं वो आप 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, करेक्ट है क्या? अब इनटू कॉस, अब अगर इसको आपको मान लीजिए कि इसको 360 डिग्री बनाना हो, तो 360 बनाने के लिए आपको इसमें से क्या लेना पड़ेगा, पहले आप सोच लीजिए कि 20, चलो ऐसे कर लेते, 20 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 600 डिग्री हो जाएगा, ये 600 डिग्री हो गया, और ये आपका हो गया 90 डिग्री, ऐसे कर लेते हैं, प्लस कॉस 300 डिग्री और 90 डिग्री, ये वाला हो गया आपके पास कॉस 900 डिग्री प्लस 300 डिग्री। तो चलो इसको कैसे लिख देंगे, साइन 360 डिग्री है तो इसको जीरो मान के आप ऐसा लिख दीजिए साइन 120 डिग्री, इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो 600 है और 90 है, तो ये हो जाएगा 690 डिग्री, तो 690 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, 2 इंटू 360 डिग्री, ये कितना है 720 डिग्री, और ये अपना 690 डिग्री है, तो 720 में से 30 डिग्री माइनस कर दो, फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि 360 डिग्री कितना है, 360 डिग्री जीरो है, तो 0 इंटू 2 जीरो हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस 30 डिग्री बचेगा, प्लस ये कितना है, तो ये 300 है और ये 90 है, तो एक काम करते हैं इसमें से 60 ले लो, तो ये 360 डिग्री, तो बचेगा कितना आपके पास 30 डिग्री। इस यही ये जो बाद वाला है, सबसे आखिरी वाला, ये बहुत बड़ा एंगल है, 1200 डिग्री टाइप का है, तो आप एक काम करो 360 कितना हो, 360 डिग्री वो, उसका डबल कितना 720 डिग्री, उसका ट्रिपल कितना 1080 डिग्री, और ये जो लिखा हुआ है ये 1200 है, ऐसा हमने अभी पिछला भी एक क्वेश्चन किया है, तो आप ऐसा करो 3 इंटू 360 डिग्री, ये वन ये कितना है 1080 डिग्री, और ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 1200, तो 1080 माइनस कर दिया, तो ये 120 डिग्री बच जाएगा, है ना, ऐसा करके।
अब ये देखिए कि जो 360 वाले हैं इनको तो जीरो ही कर दें, और इसको तब तक कर लेते हैं, इसको साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लो, इसको ये जीरो मानेंगे तो ये हो जाएगा कॉस माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का है और नेचर चेंज है क्योंकि एक 90 है, तो कॉस 30 डिग्री हो गया, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ये कॉस 30 डिग्री है, और साइन कॉस 120 डिग्री को आप कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव है पर कॉस कैसा है, नेगेटिव है, और एक 90 होने के कारण, 190 के कारण नेचर चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करें कि वैल्यू भी रखना चालू कर दे, कॉस 30 का वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाय टू, इसका वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू थ्री बाय फोर हो गया, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू है आपके पास रूट थ्री बाय टू और इसकी वैल्यू वन बाय टू, तो हो जाएगा रूट ये थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अब आगे कुछ देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं एक दो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और आ जाए। अब हमारा नंबर होगा क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से लेते हैं हम, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस ले लें हम साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि ये 10th से भी कनेक्टेड है, 10th कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। क्यों, इसको आप साइन स्क्वायर पाई बाय 18 ही लिखे रहने दो और इसको साइन स्क्वायर पाई बाय 9 लिखें, पर अगर आप इसको ऐसा लिख दें, इसको ऐसा लिख दें साइन पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हैं कि आपको 7 पाई बाय 18 मिले, क्या लिख सकते हैं आप ऐसा देखें। तो देखिए ऐसा लिखने के लिए आप इसको इसको भी पाई बाय 18 बना लो, तो इसको पाई बाय 18 के लिए क्या करोगे आप, 9 पाई बाय 18, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्लियर है क्या। तो ये आपका आ जाएगा उधर, तो ये आपका बन जाएगा साइन 9 पाई बाय 18, एक वेट 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 वेट, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2, इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स, और ये हमारे पास 7 पाई बाय 18, 7 पाई बाय 18 को जब हम इधर लाएंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 9 पाई माइनस 7 पाई 2 पाई बाय 18, ये इससे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर यहाँ भी लगा दें। अब इस इधर वाले को देखो, अब आपको थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि इसका इससे सेटिंग हो गया, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ये बन जाएगा पाई बाय 18। आपको देखो मैं बताता हूँ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 क्या होगा, तो ये पाई बाय 18 है, इसको भी पाई बाय 18 बना लो 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो 9 पाई में से पाई गया तो 8 पाई, 8 पाई बाय 18, इसको 2 से उड़ा दीजिए, 2 4 जा और 2 9 जा, यही आ जाएगा आपका। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, और इसका इससे कोऑर्डिनेशन हो गया, उसका उससे हो गया। अब आपको मालूम है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो लास्ट ईयर भी आपको होगा ध्यान रहा होगा, और अभी हमने निकालने में आपको मास्टर बना दिया, तो आप देख लीजिएगा, अब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस, और ये स्क्वायर है
कॉस स्क्वायर पाई बाय 9, और ये भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 18। अब हम दोनों को पास पास लाते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हम, हाँ 1 लिखने वाले हैं, और इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 की वैल्यू 2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। अब एक आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बताता हूँ। जिसको कि आप ट्राई करना मेरे साथ साथ और देखते हैं आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर जो 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है वो इस तरह से है, 3 टाइम्स साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स होल टू द पावर 4। लेकिन लिखते हैं यहाँ पर है, लिखते कहाँ पर है दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पर है, और होता इसका मतलब है होल टू द पावर, और इसका मतलब है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात आ रही हो। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आपको इसको कैसा लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको लिखना पड़ेगा साइन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका ये मतलब मत निकालिए आप। क्या नहीं निकालेंगे आप इसका मतलब, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा नहीं होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 4 जैसे आप उसमें होता है आपका, ये नोट करिएगा। ए बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए माइनस आगे का क्वेश्चन है 2 साइन, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। छोटे बच्चों को भी बताइएगा, वो कंफ्यूजन में रहते हैं इसको लेकर के, तो उनका कंफ्यूजन भी दूर होगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया और ये आपका कंसेप्ट लिख दिया। तो आप पहले इसका मतलब जब समझ चुके हैं तो इसका यूज भी है यहाँ पर हल्का फुल्का, आइए इसको देख लेते हैं। 3 टाइम्स इसको ऐसा लिख देंगे, फिर लिख देता हूँ तो आपको क्लियर होगा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4, साइन 3 पाई प्लस एक्स टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस साइन 5 पाई, ओ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्स शुड बी हियर 5 पाई माइनस एक्स ओ होल टू द पावर 6, ये करली ब्रैकेट। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कितने पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, यानी 3 90 डिग्री माइनस, तो आप यहाँ रह जाओगे, यहाँ अगर आप रह गए तो इस क्वाड्रेंट में एक्स को एक्यूट मानना है, मैंने आपको बताया था। तो जब आप यहाँ रह जाओगे तो यहाँ पर साइन है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव है, पर 3 90 डिग्री है, तो नेचर चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा इसका, पर पावर 4 है, तो इसलिए ये वापस क्या बन जाएगा, अब आपको बता ही दिया मैंने कि पावर इसकी क्या है, 4 है, जब पावर 4 है तो ये प्लस बन जाएगा। और साइन 3 पाए, साइन 3 पाए, तो 3 पाए कहाँ होगा, तो देखो ध्यान से, ये 1 पाए हुआ, ये 2 पाए हुआ, 3 पाए, या तो चाहें तो आप 2 पाए तक को ख़त्म कर लें, 2 पाए को कितना मान लें आप, 0 डिग्री मान लें। तो अगर आप 2 पाई को 0 डिग्री मान लें तो इसकी मैं अलग से वैल्यू भी निकलवा देता हूँ आपकी, साइन 3 पाई प्लस एक्स, बड़ी वैल्यू है ना, तो आप इधर देखिए निकालते, साइन 3 पाई प्लस एक्स को ऐसे निकाल लें, साइन इसको लिख लें 2 पाई प्लस पाई प्लस एक्स, तो ये 2 पाई ख़त्म हो जाएगा आपका, साइन पाई, साइन पाई को लिख सकते हो आप 180 डिग्री प्लस एक्स, साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया, साइन गया थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है,
कितने 90 है इसमें, 290 है, तो नेचर विल रिमेन सेम, ये रहेगा माइनस साइन एक्स, तो ये आपका मेरे बच्चों माइनस साइन एक्स। और पावर 4 है तो प्लस का हो या माइनस का हो वो अल्टीमेटली तो प्लस का ही होना है ना, क्योंकि पावर उसकी कितनी है 4 है, ऐसे इसका भी है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए डिस्कस किया आपसे ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे, आपका कंसेप्ट अच्छा बने। इसको भी रब कर देते हैं, अब जगह हो गई, अब आप काफ़ी समझ भी गए हैं और आपको मास्टरी भी हो गई होगी। तो माइनस 2 टाइम्स, थोड़ा हम तिरछा चल रहे हैं तो माइंड मत करिए आप, क्योंकि ट्वाइस ये जो कैमरे का जो वो है अपर्चर इस हिसाब से सेट है कि वो इतने एरिया को ही लेता है। साइन पाई बाय 2 प्लस 1, साइन 90 डिग्री प्लस 1, साइन गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस है, और कॉस एक्स हो जाएगा एक 90 होने की वजह से प्लस। साइन 5 पाई माइनस एक्स, इसको अलग से निकाल दें तो आपको कॉन्सेप्ट भी बनेगा, साइन 5 पाई माइनस एक्स। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 पाई है, तो इसको लिख दो साइन 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई माइनस एक्स। अब इसको 2 पाई को तो जीरो मानना है, इसको भी जीरो मान लो, इसको भी जीरो मान लो, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का है, और पाई मीन्स 290 डिग्री है तो नेचर विल रिमेन सेम, पाई 180 डिग्री है ना, 290 डिग्री तो नेचर विल रिमेन सेम, तो ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 6। अब अपने को कैलकुलेट करना है, तो अब आपको जो पुराना अलजेब्रा है क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिएगा 11 था, अब आपको जो पुराना कंसेप्ट है वो वाला लगा देते हैं, थ्राइस ब्रैकेट कॉस एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स टू द पावर 4। ये मैंने 4 इधर शिफ्ट कर दिया, जैसे मैंने समझाया था ना आपको ये वाला लॉजिक उस हिसाब से, क्योंकि आदमी मैंने हम लोग जो स्टूडेंट से टीचर से वो हैबिचुअल ऐसे लिखने के, पर आपको समझ लेना है कि मैंने क्या लिखा है, मैं आपको हमेशा रिमाइंड कराते रहूँगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करो। आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे भी, मुझे पूरी उम्मीद है, इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा टॉप ग्रेड प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जनरल प्रॉब्लम आप अगर ये कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। ये अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास काफ़ी कुछ हो गया। अब आप यहाँ देखें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको याद होगा ऐसा लिख सकते थे आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको मत लिख देना ऐसा, दिस यू कैन नॉट राइट, कैसा नहीं लिख सकते हो आप, इसका मतलब ऐसा मत लिख दीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, है ना, ये आपको क्लियर है, दिस इज नॉट ट्रू। और ऐसा उसको भी मत कर दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिख दिया आपने, ऐसा नहीं लिखना, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये गलत स्टेप है, तो इसका फिर सही क्या है, तो सही के लिए आगे बढ़े, सही के लिए फिर ये फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते थे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते थे ए प्लस बी होल क्यूब, ये वाला लगाइएगा, वो वाला नहीं, कौन सा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वरना उसमें एक बार और लगाना पड़ेगा, ये वाला उससे सरल और अच्छा फॉर्मूला इसके लिए, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इधर हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ओ ब्रैकेट, और ये 3 से मल्टीप्लाइड था मेरे ख्याल से, 3 माइनस 2 टाइम्स, इसको भी देख ले, यहाँ पे क्या होगा, ए क्या है आपका, ओ माय गॉड, इसको वैसा लिख दें आप, कैसा लिख दें, इसको लिख दें 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, मैं भूल गया था ऐसा लिखना, बच्चों के हिसाब से
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अब कैसे लिखेंगे इसको, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको जो पसंद का फॉर्मूला है वो आ गया कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन, तो हो जाएगा थ्री इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, रियली इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, और आप एंजॉय करोगे मस्त, धीरे धीरे करना। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को आगे पीछे कर लो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं भी करोगे तो नो प्रॉब्लम, इंटू वन, क्यों, बिकॉज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज वन। ये आपका फॉर्मूला है ना लास्ट ईयर का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोथ वन। अब मल्टीप्लाई करें तो थ्री माइनस ये हो जाएगा थ्री टू जा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वन का क्यूब वन हो जाएगा, टू क्यूब मत लिख दीजिएगा, वन क्यूब इज वन और टू इंटू वन इज टू प्लस, ये आपका थ्री था सॉरी, ये देखिए ये थ्री था, यहाँ मुझे थ्री लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, तो ये प्लस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, और थ्री माइनस टू कितना हो गया आपका रिजल्ट, थ्री माइनस टू आपका रिजल्ट आ गया वन। काफ़ी समय भी आपका लिया मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ हम सीख गए, ये एक खुशी की बात थी। ये एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर आपको मालूम है बहुत स्टैंडर्ड और अच्छी बुक है, और एनसीईआरटी ने प्रिस्क्राइब की हुई है, तो इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, और एनसीईआरटी जो बुक है वो काफ़ी बेहतर ढंग से डिज़ाइन की है, बच्चों का दिमाग समझ के डिज़ाइन की हुई होती है, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और दूसरे प्रॉब्लम से थोड़े से हटके और अच्छे प्रॉब्लम होते हैं। आप डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और मेरे कई रिसर्च पेपर मैथमेटिक्स में पब्लिश्ड हैं, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप लोग बहुत अच्छा करें, अच्छे से भी अच्छा करें, और कोई नई नई चीज़ें निकालें, नई नई चीज़ें सोचें, नए नए प्रॉब्लम्स मुझे लिख भेजें। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9685698056, 9685698056, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करें। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।